गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 एडजेक्टिव्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसकी एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर ए, बुक का पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर ए आज हम सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 30 ओपन करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसे अपनी नोटबुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन ए है हमारा, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट इट्स काइंड। हमें हर सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी विशेषण पे अंडरलाइन करना है, लाइन लगानी है और फिर उसका काइंड बताना है यानी उसका प्रकार बताना है। फर्स्ट है, वी हैव टू हैंड्स एंड टू लेग्स। तो नंबर ये है क्वांटिटिव में टू, नंबर दे रखा है टू, डेफिनेट में है पर लेकिन कौन सा है डेफिनेट में भी कार्डिनल। कार्डिनल क्यों है? कार्डिनल वो होते हैं जिनमें हम नंबर बताते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 7 ये सब। सेकंड है हमारा, ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स। इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या है? 5। 5 हमारा नंबर है इसलिए ये भी हमारा कार्डिनल। इनडेफिनेट के दो टाइप, सॉरी डेफिनेट डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के दो काइंड होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल जिसमें हम नंबर्स बताते हैं और ऑर्डिनल जिसमें हम उसकी पोजीशन या उसके ऑर्डर को बताते हैं। तो ये है हमारा कार्डिनल, क्योंकि इसमें हमने नंबर 5 बताया है। क्वांटिटिव में डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का कार्डिनल है ये। फ्यू चिल्ड्रन टर्न्ड अप, यहाँ हमारा एडजेक्टिव है फ्यू। ये कौन सा है? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि कितना है। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, INDEFINITE, इनडेफिनेट न्यूमरल, NUMERAL, न्यूमरल एडजेक्टिव। फोर्थ है, देयर इज सम मिल्क इन द बॉटल। अब यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है सम, यहाँ भी सम है, ये भी इनडेफिनेट है, पक्का नहीं पता। हमें ये पता है कि है पर कितना है इसका हमें पक्का नहीं पता, इसलिए इनडेफिनेट न्यूमरल। मैं आधा लिख रही हूँ, आपको ये पूरा लिखना है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। फिफ्थ है, टेक द सेकेंड स्ट्रीट ऑन द राइट। अब हमारा एडजेक्टिव है सेकेंड। अब ये हमारा कौन सा है? सेकेंड हमें डेफिनेट तो है, ये बिल्कुल पक्का निश्चित है पर डेफिनेट में कौन सा है? ऑर्डिनल। कोई ऑर्डर या पोजीशन बताने को हम ऑर्डिनल कहते हैं। डू यू हैव एनी चॉकलेट डेजर्ट्स? एनी, एनी यहाँ पे हमारा इनडेफिनेट है, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ क्लास, फर्स्ट, फर्स्ट हमारा ऑर्डर में आता है इसलिए ये भी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है हमारा, शी एट द होल एप्पल, पूरा होल। तो 8th में क्या आएगा हमारा? होल, और ये है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये पूरा खा लिया, उसने पूरा एक एप्पल पूरा खा लिया तो ये निश्चित है इसलिए ये डेफिनेट डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसके बाद है हमारा 9th, ही हैज लिटिल नॉलेज। तो लिटिल क्या है हमारा? एडजेक्टिव, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव और ये है क्वांटिटिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। एरियल हैज टू बुक्स ऑफ C++, टू, टू हमारा नंबर है तो ये क्या हुआ हमारा? टू कार्डिनल। डेफिनेट में हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो वो होता है कार्डिनल। तो आया बच्चों आपको समझ में कि कार्डिनल कौन से होते हैं और ऑर्डिनल कौन से?
जो हमें डेफिनेट बिल्कुल निश्चित नंबर बताए वो होते हैं कार्डिनल, निश्चित यानी डेफिनेट ऑर्डर बताए उसकी पोजीशन बताए वो होते हैं ऑर्डिनल, जिनमें हमें पक्का नहीं पता कि ये कितना है, पर क्वांटिटी है कुछ पता है पर पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, वो होते हैं इनडेफिनेट। और क्वांटिटी नंबर वगैरह क्वांटिटी उसमें कितना है वो हमें क्वांटिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन बुक एंड नोटबुक। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसे अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।